हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स के सेशन में। आप सबका केडी लाइफ पर स्वागत है। मेरा नाम है गुरप्रीत, स्वागत है आप सभी का केडी लाइफ पर। गुड इवनिंग सबको, होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, एकदम करंट अफेयर्स की क्लास के लिए तैयार होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, जैसा कि मैंने कल कहा था कि 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे मैं आ चुकी हूँ। रोज 4 बजे हम लोग मिला करेंगे, आप लोगों को टाइम से आना है। नमस्ते नन्हे सिंह, नन्हे सिंह बहुत दिनों के बाद मुझे दिखे हैं। नवीन राणा, आप भी राणा हैं, मैं भी राणा हूँ। गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग रवि प्रकाश, गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब लोग अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी बुलाएंगे, फिर हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब लोग एक बार अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो ताकि सभी लोग ज्वाइन कर लें। सब लोगों के साथ करंट अफेयर्स का ये सेशन जो है, हम इंटरेक्टिव होकर पूरा सेशन करते हैं ना, तो सारे स्टूडेंट्स एक बार आ जाए फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया वैसे। गुड इवनिंग रवि प्रकाश जी, कैसे हैं आप। मैम हवाना सॉन्ग इज रियली अमेजिंग, चलिए मेरे कहने में आपने हवाना सुना, थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अब तो याद हो गया होगा क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना है। चलिए आप मेरी क्लास में आते रहिए, ऐसे ऐसे सजेशन सॉन्ग के मैं आपको देती रहूंगी, साथ में करंट अफेयर्स भी, डबल फायदे हो रहे हैं तुम लोगों के। अब तो क्लास को ज्वाइन करना बनता है और लाइक करना भी बनता है और शेयर तो डेफिनेटली करना है, और केडी लाइफ को तो सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों को, तभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे वीडियोस के, वरना क्लासेस आप लोगों की मिस हो सकती हैं। नमस्ते जतीश, गुड इवनिंग अमित यादव, चंदन कुमार, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। विमल, वेलकम टू द क्लास विमल, होपफुली आपको क्लास अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, देखो सेशन कैसा लगता है, होपफुली कल आपको मैं देखूं क्लास में। राधे राधे मनीष तिवारी, शिवानी चौहान, गुड इवनिंग, कैसी हैं शिवानी आप। गुड इवनिंग सभी को, बिल्कुल पूरे करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, हम लोग साथ में कवर करते हैं, मैं और स्टूडेंट्स, हम सब मिलके सेशन पूरा चलता है। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशन होता है, पूरी कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करूं। ठीक है, साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी मैं पूरा कंटेंट रखती हूँ ताकि जब आप क्लास के बाद पीडीएफ खोल के देखें तो क्विक रिविजन हो जाए एक बार क्लास में क्या क्या पढ़ा था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब चीज़ें पीडीएफ में रहती हैं। ठीक है, नीतू मैम की इंग्लिश की क्लास लेनी है, अभी मैं आपको बताऊंगी बैचेस का भी। इतने दिनों बाद मैंने क्लास अटेंड की है, अजय सिंह क्यों, मेरी क्लास इतने दिनों से हो रही है, आप इतने दिनों से क्लास में क्यों नहीं आए हैं। चलो एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर देंगे फाइनल, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, सब लोग एक बार ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, फिर आगे बढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की हमारी क्लास होगी आज की, थैंक यू शिवानी चौहान, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अक्षय चौधरी, आप तो डेली आते हैं, शिवम गुप्ता भी डेली आते हैं, गुड इवनिंग। चलो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द तिरंगा पहल इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हुआ है, कौन से राज्य में, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर। ठीक है, सवाल देखो सीधा सा है कि तिरंगा पहल जो है, ठीक है, तिरंगा पहल किस राज्य में जो है शुरू हुई है, तमिलनाडु में, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर। चलो स्टार्ट कर दिया है मैंने क्वेश्चन, फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, साइड हो जाती हूँ मैं, क्वेश्चन देख लो कि तिरंगा पहल जो है कौन से राज्यों में है। ठीक है, या कौन से राज्यों ने शुरू की है, तो ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अभी तक नहीं लगवाई है वैक्सीन, चलो भाई इसका आंसर बताएंगे। बी कह रहे हैं अभिषेक कुमार, केरला।
ऑप्शन बी प्रवीण, आई एम फाइन, हाउ आर यू प्रवीण, गुड इवनिंग। चलो बहुत बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। विमल कह रहे हैं सी। विमल आज आप क्लास में पहली बार आए हैं ना, मुझे याद हो गया आपका नाम भी। चलिए विमल देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी केरला। ठीक है, केरला में जो ये तिरंगा पहल है बेसिकली वो शुरू हुई थी। ठीक है, तिरंगा के सीएम की अगर हम बात करें तो कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे सीएम तो। ठीक है, पिनाराई विजयन जो है वो सीएम है सॉरी केरला के। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी केरला। ठीक है, केरला में जो ये इनिशिएटिव है तिरंगा पहल जो है वो स्टार्ट हुई है। तिरंगा की अगर हम बात करें तो तिरंगा बेसिकली है क्या, इसकी एब्रीविएशन की अगर हम बात करें फुल फॉर्म क्या है, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें कि भाई टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। ठीक है, ताकि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं भाई उनकी स्क्रीनिंग बहुत जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, पता चल सके कि भाई किस किस को है किस किस को नहीं है, अच्छे से रैपिड स्क्रीनिंग हो सके। ठीक है, जल्दी हो सके, इसीलिए ये जो पहल है तिरंगा पहल से स्टार्ट किया गया है केरला में। ठीक है, केरला में कहाँ पर, पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में केरला के ये जो पहल है उसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ताकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स की रैपिड स्क्रीनिंग हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद विच कंट्री हैज इंडिया टाइड अप फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली क्या है कि वैज्ञानिक और तकनीकी समझ के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, समझौता बेसिकली हुआ है इंडिया और एक और कंट्री के बीच में। ठीक है, ताकि तकनीकी और वैज्ञानिक समझ जो है वो बनी रहे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, पर्पस वैज्ञानिक साइंटिफिक और टेक्निकल पर्पसेस के लिए यूएई, सूडान, सऊदी अरेबिया या फिर फ्रांस, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मेजर सिंह एब्सोल्युटली आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, केडी लाइव आपको इंस्टॉल करना है, आपको वहां पर मिल जाएगा। मोहित मलिक कह रहे हैं डी फ्रांस। चलो सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्लास में सबको अटेंटिव रहना है और एक्टिव रहना है। ठीक है, वीडियो को साथ साथ में सब शेयर करेंगे। शिवम गुप्ता, बिल्कुल शिवम गुप्ता बहुत करेक्ट आंसर देते हैं। आशीष शर्मा सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, फ्रांस कह रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रांस कह रहे हैं। चलो सब लोग अटेम्प्ट, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यूएई। ठीक है, यूएई के साथ हाल ही में इंडिया ने जो है जो समझौता है बेसिकली वो एक समझौता साइन किया है बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम एमओयू की बात करें तो बेसिकली क्या है ये। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल, सेस्मोलॉजिकल और ओशियनिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाएगी दोनों देशों के बीच में। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो मेट्रोलॉजी में आती है। ठीक है, सिस्मोलॉजी की अगर हम बात करें, सिस्मोलॉजिकल, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि अर्थक्वेक्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और साथ ही में जो हमारी इलास्टिक वेव्स होती है वो कैसे प्रोपगेट कर रही हैं वो चीज भी हमारी सिस्मोलॉजी में आती है। और साथ में ओशियनिक सर्विसेज, तो ओशन से रिलेटेड आप समझ ही गए, तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स है, ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो शेयर की जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये समझौता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और यूएई की प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन है, खलीफा बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, कितना बड़ा नाम है। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई यूएई की कैपिटल क्या है, यूएई की कैपिटल क्या है, आबू धाबी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सात एमिरेट्स आते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, सात एमिरेट्स बेसिकली आते हैं इसमें। ठीक है, तो जो आबू धाबी है वो भी एक एमिरेट है, और सबसे सातों एमिरेट्स में से सबसे वेल्दीएस्ट और सबसे लार्जेस्ट एमिरेट जो है कौन सा है, आबू धाबी ही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे।
सब लोग साथ साथ में पढ़ेंगे मेरे साथ और शेयर करते जाएंगे वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल रूपल करेक्ट आंसर है। रिसेंटली इन विच स्टेट परशुराम कुंड पिलग्रिमेज हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो है वो शुरू हुई है, कौन से राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। गुड इवनिंग मनोज, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम मनोज। मनोज गुरप्रीत, गुरप्रीत मनोज, मनोज बोर्ड, सॉरी। चलो भाई आंसर करेंगे सब लोग इसका। कौन से स्टेट में जो है परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो है वो शुरू हुई है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम में हुई है। आसान सा सवाल है। डेली की न्यूज को फॉलो करते रहा करो अपने करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थोड़ी सी बस सुबह हल्की सी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठ के न्यूज देखनी पड़ती है बस। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है भाई? पेमा खुंडा, सॉरी खांडू, ठीक है, पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। और ये जो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा कहाँ पर शुरू हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये पिलग्रिमेज जो है कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो है हर साल होती है बेसिकली, ठीक है। क्या करते हैं लोग? बेसिकली डुबकी लगाते हैं, होली डिप, क्या मतलब होली डिप, एक तरीके से अपने आप को पवित्र करने के लिए, जैसे लोग गंगा नदी में जाके एक डुबकी लगाते हैं कि भाई पवित्र हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे, उसी तरीके से इस कुंड में भी लोग आते हैं, ठीक है। मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग आते हैं यहाँ पर बेसिकली डुबकी वगैरह लगाने, ठीक है, जो श्रद्धालु होते हैं वो लोग आते हैं कंट्री से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लोहित डिस्ट्रिक्ट है, और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रॉम बंगाल वेलकम टू द क्लास रूपक, होपफुली आपको भी क्लास अच्छी लगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट विल द फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स प्रोजेक्ट बी स्टार्टेड, ठीक है, किस राज्य में जुगनू पक्षी डाइवर्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि जुगनू पक्षी डाइवर्टर प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट में शुरू किया जाएगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि बर्ड्स को डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट किया जाएगा। एक बार आंसर करो फिर एक्सप्लेन करूंगी। गुड इवनिंग अजय कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियांशु द्विवेदी। क्लियर है? चलिए नितेश कह रहे हैं ऑप्शन बी गुजरात। बी कह रहे हैं गुजरात। चलिए मैं साइड हो जाती हूँ आप लोग। कौन से स्टेट में जो है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बेसिकली फायर फ्लाई डाइवर्टर्स की अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान, ठीक है। बेसिकली क्या है कि फायर फ्लाई क्या होते हैं? फायर फ्लाई जुगनू होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेसिकली जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बर्ड्स? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। बेसिकली बहुत ही कम संख्या रह गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ठीक है। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली इनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। किस वजह से? जो वायर्स होती हैं बेसिकली, है ना, आप लोग देखते हैं कि जो पक्षी वगैरह वो वायर से बैठ जाते हैं, करंट वगैरह से यूजुअली मर जाते हैं। तो बेसिकली उसी चीज़ के लिए जो वायर्स होंगी, पूरी पावर लाइन्स होंगी, वहाँ पर ये फायर फ्लाई डाइवर्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि जो बर्ड्स हैं वो दूर से ही उन्हें देख सके और वहाँ से अपने आप को डाइवर्ट कर ले, ठीक है। जो छोटे बर्ड्स होते हैं यूजुअली अपने कम वेट की वजह से यूजुअली अपने आप को डाइवर्ट ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जो हैवी वेट वाले होते हैं
वो नहीं कर पाती, तो उन्हीं के लिए जो फायर फ्लाई बोट डायवर्टर्स है वो लगाए जाएंगे। कितने टोटल ऑफ 1813 फायर फ्लाई बोट डायवर्टर्स जो है इंस्टॉल किए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, तहसील अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो पोखरान डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फायर फ्लाई डिटेक्टर्स जो है इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा 6.5 किलोमीटर के स्ट्रेच तक। ठीक है, बिटवीन छाछा टू धोलिया विलेजेस। ठीक है, होपफुली क्लियर है कितने और कहाँ पे और कौन सी स्टेट में इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने मिलकर ये यूनिक इनिशिएटिव जो है वो लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ भाई प्लीज, साइड हो गई मैं, सब साइड हो गई लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है पोखरान। ठीक है, स्ट्रेच अगर हाँ भाई पूछ सकते हैं कि कितना कितना लंबा स्ट्रेच है, कितने किलोमीटर का है, तो ये भी तरीके से इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कितने भाई इंस्टॉल करे जा रहे हैं डाइवर्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसने, कौन ये इनिशिएटिव लेकर आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, अब साइड नहीं होंगी मैं, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन पर चलना है, इजी पीजी क्वेश्चंस के साथ। पता नहीं किसने कहा था कल इजी पीजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ ब्रिक्स यूथ समिट 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स समिट जो था वो 2020 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कौन सी कंट्री ने करवाया था, आयोजन किस देश ने किया था, सवाल ये है, रशिया, भारत, चाइना या फिर फ्रांस? हिंदू, किसने हिंदू लिखा है से? मुकेश कह रहे हैं बी इंडिया। मैम ए, प्रोमित कह रहे हैं ए रशिया। ओके, हां जी प्रकाश चौधरी जी कहिए। प्रियंका सिंह कह रही है रशिया। चलो, वीडियो को सब लोग एक बार साथ साथ में शेयर करेंगे। अनुराग मलिक, रशिया लिखा था, देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो भी रशिया कह रहा है। ठीक है, रशिया ने 2020 का जो समिट है ब्रिक्स समिट वो ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, ब्रिक्स की अगर हम बात करें एक बार, ठीक है, तो ब्रिक्स नाम बना कैसे, बेसिकली जो कंट्रीज ब्रिक्स समिट में आती हैं, जो बेसिकली जो समिट ये करती हैं वही ब्रिक्स में आती हैं। बी से ब्राजील है, मैं लिख देती हूँ, बी से ब्राजील। ठीक है, आर से रशिया, ठीक है, जिसने 2020 वाला करवाया है समिट। ठीक है, आई से इंडिया ऑफ कोर्स, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका पूरा नाम बेसिकली जो एब्रिविएशन है ये पूरी यही है इसकी, ये कंट्रीज जो इसमें आती हैं वही इनके एब्रिविएशन है, उनमें से ये नाम, ये जो एक्रोनिम है उसी से बना है। ठीक है, पहले इसका नाम था सिर्फ ब्रिक क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं थी, फिर 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो इसका नाम ब्रिक से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, कब फाउंडेड अगर पूछें तो 2006 जून में, और फॉर्म अगर हम बोले कि भाई फॉर्म कब हुई है पूरी, ठीक है, तो 2009। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, ब्रिक्स डज नॉट, देखो बेसिकली ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है ब्रिक्स। ठीक है, ये बेसिकली एक समिट होता है जिसमें ये नेशन जो है पांच, ठीक है, ब्रिक्स इसमें जो ये पांच नेशंस हैं ये मीटिंग करते हैं बेसिकली, और ताकि मतलब इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, ग्लोबल इश्यूज के बारे में डिस्कशन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज के बारे में, ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें जो हैं इस समिट में डिस्कस की जाती हैं। हर साल ये समिट जो है होता है। ठीक है, ये पांचों नेशंस के जो लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए, बाकियों के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स हो गए, तो इनके जो लीडर्स हैं कंट्रीज के, ये सब मिलकर ये एनुअल समिट करवाते हैं। ठीक है,
क्लियर है सबको? तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ ये लोग मिलते हैं, इनकी समिट होती है, इनकी मीटिंग होती है जिसमें ये सब चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है। और देखो जो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, जैसे BRICS है, ठीक है, तो इस बार अगर रशिया ने करवाया है तो अगले साल कौन करवाएगा? इंडिया करवाएगा। फिर उसके अगले साल कौन करवाएगा? चाइना। तो ये नाम के हिसाब से इन अकॉर्डिंग विद द एक्रोनिम जो चेयरमैनशिप है इस समिट की वो चलती रहती है, ठीक है। तो अगले साल कौन चेयर करेगा? इंडिया करेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग नहीं राकेश कुमार, गुड इवनिंग हो गया है। हां जी, शुभ संध्या शुभम जी आपको भी। थोड़ा साइड हो जाया कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए अगर मैं साइड में ही रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कैसे, ठीक है, मुझे पढ़ाना भी होता है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में पढ़ते रहा करो, अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहा करो, और पीडीएफ की चिंता मत करो, पीडीएफ आप लोगों को केडी लाइव ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। विनायक गुप्ता ने कहा था कल इजी पीजी, मुझे याद आ गया, विनायक इजी पीजी, यस इजी पीजी क्वेश्चन है आज भी, ठीक है। इनिशियली ये जो ब्रिक्स एक्रोनिम है ये फॉर्मुलेट किसने किया था, कब किया था? 2001 में बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ब्रिक्स जो एक्रोनिम है वो किसने कॉइन किया था, टर्म किसने कॉइन किया था और कब किया था, पूछ सकते हैं। तो आपको अब पता चल गया है, अब आप बता सकते हो 2001 में किसने करा था, जिम ओ'नील ने करा था, ठीक है। अब जब से ये ब्रिक्स एक्रोनिम स्टार्ट हुआ है, इंडिया की बात कर लेते हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया जो है दो बार इसे चेयर कर चुका है, 2012 और 2016 में, ठीक है। और अब 2021 में जो है 13th ब्रिक्स समिट जो होगा वो इसे होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। एग्जैक्टली मेजर सिंह, पीडीएफ मिल गया तो नोट्स की क्या जरूरत है, बट देखो हाँ ये बात भी है, बट नोट्स आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो आप समझ के खुद लिखते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अपनी राइटिंग में जब हम कुछ लिख के समझ के कुछ लिखते हैं तो हमें बहुत इजीली रिकॉल हो जाती है वो चीज। थैंक यू सो मच राकेश कुमार, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कपिल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामायण क्रूज सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, रामायण क्रूज सर्विस जो है का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, आप इसका आंसर बताइए। मैं साइड हो रही हूँ एक सेकेंड। हाँ जी, इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे कि रामायण क्रूज सर्विस जो है वो लॉन्च करी गई है कौन से राज्य में की गई है। नन्हे सिंह, सब लोग वीडियो को साथ साथ में शेयर करेंगे यार, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, और लाइक भी करेंगे वीडियो को। हाँ जी यूपी शिवम गुप्ता, हाँ जी देखो भाई करेक्ट आंसर यूपी वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये रामायण क्रूज सर्विस जो है इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी इसे लॉन्च किया जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अयोध्या जन्मभूमि है राम जी की, आप सब लोग जानते ही हैं, तो वहीं पर ये जो क्रूज सर्विस है इसे लॉन्च किया जाएगा ऑन द सरयू रिवर, ठीक है। सरयू रिवर के पास इसे ये जो क्रूज टूर है बेसिकली इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। क्रूज के बारे में अगर हम बात करें तो 80 सीटर ये क्रूज रहेगा, पूरी तरह से एयर कंडीशन रहेगा, ठीक है। 80 सीटर बेसिकली रहेगा, ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किस लिए किया गया है, ये क्रूज लेकर किस लिए आए हैं, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर साल 2 करोड़, अगर सिर्फ अयोध्या की बात करें तो हर साल 2 करोड़ के आसपास लोग जो है वो अयोध्या घूमने आते हैं। तो अब जब ये क्रूज सर्विस जो है स्टार्ट की गई है तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, और ज्यादा विजिटर्स आएंगे, तो क्या होगा, टूरिज्म जो है वहां का उसे क्या बूस्ट मिलेगा, एक तरीके से बूस्ट मिलेगा, तो क्या होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना, सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। नहीं ये टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ केडी लाइव पर आपको सिर्फ और सिर्फ केडी लाइव पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है।
ताकि बेसिकली जो अयोध्या की सिटी है उसे अच्छे से उसका अच्छे से एक्सपीरियंस लिया जा सके, यही मकसद है इस पूरे प्रोजेक्ट का, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, ठीक है, हाल ही में कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। सवाल ये है, मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत सारे लॉन्च हुए हैं अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसेंटली कहाँ पर किया गया है, कानपुर, लखनऊ, मीरठ या फिर आगरा। अपराजिता, यस मैं अयोध्या से हूँ, सही है, फिर आप घूम सकती हैं वहाँ पे। हाँ जी, दिल्ली कह रहे हैं, देवी उत्तर प्रदेश की सिटी बतानी है आपको। बी कह रहे हैं लखनऊ, मीरठ, कानपुर, आगरा। देखो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आगरा वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आगरा, ठीक है। आगरा मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है आगरा में, ठीक है, जहाँ पर मतलब बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं, बेसिकली क्या है आगरा में, ताजमहल देखने आते हैं, आगरा फोर्ट है वहाँ पर, ठीक है, फतेहपुर सिकरी भी वहीं पर ही है, ठीक है, फोर्ट जो है वहीं पर ही है, तो ये सारी चीज़ें देखने टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा आगरा वाला, बेसिकली क्या है, बूस्ट मिलेगा लोग जब लोगों को जब पता चलेगा कि भाई मेट्रो लगी हुई है, ईजिली लोग वहाँ से आ जा सकते हैं, तो और ज़्यादा लोग कन्वीनियंस के हिसाब से और ज़्यादा लोग आ जा सकेंगे, तो फिर से क्या होगा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक जो टूरिज्म इकोनॉमी बेसिकली हम कहते हैं वो बढ़ेगी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट होगा, 5 ईयर्स में प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होगा, ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, आगरा में किया है और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑब्वियसली कोरोना वायरस चल रहा है तो आजकल सारे प्रोजेक्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोग देख रहे हैं कि लॉन्च हो रहे हैं, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया, इजी इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर्स हैं जिनकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, 29.4 किलोमीटर, और अगर हम कॉस्ट की बात करें कि टोटल पूरे प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो 8,379.62 करोड़, बहुत सारे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, ट्रैवलिंग ईजर हो जाएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मैम थोड़ा सांस लिया करिए, ऑब्वियसली मैं सांस ले रही हूँ, सांस नहीं लूंगी तो कैसे जिंदा रहूंगी यार। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रदीप चौहान, मैम मंथली करंट अफेयर्स नहीं लाते हो, आप लोग आओ, मैं डेफिनेटली लाऊंगी मंथली करंट अफेयर्स भी, वीकली करंट अफेयर्स भी, बट पहले स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एडिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज रिलीज्ड इन 2020। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा एडिशन जो है 2020 में रिलीज किया गया था, सिंपल सवाल ये है। गुड इवनिंग अनु प्रताप, स्टूडेंट्स कह रहे हैं 29। इसका करेक्ट आंसर है 30, ठीक है। 30th एडिशन जो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है, वो 2020 में आया था, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितनी होती है, मतलब टोटल कितनी कंट्रीज को रैंक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 189 कंट्रीज को इंडिया की रैंक क्या थी, 131। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंक पूछी जा सकती है इंडिया की, ठीक है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे रिलीज कौन करता है या प्रिपेयर कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया, वीडियो को सब लोग साथ साथ में शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करेंगे और KD को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रीसेंट डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड केस 2020। इंडिया की क्या रैंक रही है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड केस 2020 में,
यस विनायक गुप्ता यूएनडीपी रिलीज करता है, बता चुकी मैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इंडिया की क्या रैंक है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड केस 2020 में? फोर्थ शिवम गुप्ता, अब्दुल कह रहे हैं फोर्थ, गुरमीत थर्ड, फिफ्थ भी कह रहे हैं। देखो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी फोर्थ। ठीक है, फोर्थ रैंक है इंडिया की। ठीक है, जनवरी, देखो ये रिलीज कब किया गया था स्कोर कार्ड 2020, 11 जनवरी 2021। ठीक है, उसका थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है, निकाला गया है, रिलीज किया गया है, और इंडिया की रैंक क्या है, फोर्थ। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा एडिशन जो है वो निकाला गया था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, थर्ड एडिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलीज डेट पूछी जा सकती है, तो भाई बता दोगे आप लोग कि 11 जनवरी 2021। ठीक है, इससे पहले रिपोर्ट कब रिलीज की गई है जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, 2014 और 2017। ठीक है, पहले 2014-2017 और अब 2021 में आई है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ। बिल्कुल राकेश कुमार फोर्थ, गुड इवनिंग सुशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल योजना हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 15th of February। ठीक है, क्वेश्चन में ही एक आंसर आपको मिल गया है कि प्रधानमंत्री योजना का जो एक एडिशन है जिसमें से करेक्ट आंसर है, कब लॉन्च किया गया है, 15th of January को लॉन्च किया गया है 2021। ऑफकोर्स कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है ये बताना है। चलिए सब लोग आंसर करेंगे। रोमित फोर, सिक्स, शिवम गुप्ता सिक्स, शिवम गुप्ता फंस गए अब। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए थर्ड। ठीक है, थर्ड एडिशन जो है, थर्ड फेज जो है लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली किया जा चुका है 15th of January को। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग देखा होगा PMKVY बोलते हैं। तो तीसरा फेज जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो है उसे लॉन्च किया गया है कब, 15th of January 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2020 से 2021 की स्कीम है। ठीक है, कितनी कॉस्ट कितनी है, बेसिकली स्कीम में कितनी कॉस्ट लगेगी, 948.90 करोड़। ठीक है, और 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन करने के ऊपर फोकस रहेगा इस थर्ड फेज में। ठीक है, थर्ड फेज में देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कितने स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस रहेगा, और तीसरा आपसे कॉस्ट पूछी जा सकती है कि कितना तीसरे फेज में बेसिकली कितनी कॉस्ट रहेगी। साथ साथ में वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। हाँ जी, देखो नेक्स्ट आप लोगों के काम की बात है। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहे थे कि मैम इंग्लिश का सेशन लेना है। देखो जिसको भी मैम का बैच है 20 जनवरी से जो शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी कि कल से ही, आज 19 है, कल से मैम का ये बैच आ रहा है, पेड बैच। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश स्पेशली नीतू मैम का बैच, आप लोग जानते हैं नीतू मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, है ना, पूरा थॉरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी भी इंग्लिश वीक है थोड़ी बहुत, सब लोग जानते हैं इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये बैच जरूर खरीद सकते हैं, जिसको भी, जो भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये नीतू मैम का बैच जो है वो आ रहा है कल से। ठीक है, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ये बैच आप खरीद सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी पढ़ाएंगे नीतू मैम आपको, रीजनिंग पढ़ाएंगे मोहित सर, आप लोग पढ़ते हैं मोहित सर से, जानते हैं आप लोग कैसे कितना कमाल का पढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैथ्स की अगर हम बात करें तो अजय राणा सर है ना, और GS पढ़ाएंगे आपको, कैंपस की ही फैकल्टी पढ़ाएंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो ये बैच परचेज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स वो ये बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, GS स्पेशल का बैच है। ठीक है, जो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी GS वाले बच्चे हैं, जो भी अपनी GS स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो ये बैच खरीद सकते हैं। 28 जनवरी से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, तो आप लोग खरीद सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सारे टीचर्स की कोशिश यही है कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दी जाए एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग स्पेशल आप लोग जानते हैं, मोहित सर पढ़ाते हैं। ठीक है, 28 जनवरी इनका भी बैच आ रहा है कल से। ठीक है, कल से इनका बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग फटाफट से जाके बैच सर का परचेज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये बैच आपको परचेज करना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ये बैच परचेज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अजय राणा सर का बैच है। ठीक है, 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप बैच परचेज करोगे तो जो आपकी क्लास मिस हो गई है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्लास छूट गई तो अब तो छोड़ो, ऐसा नहीं है। जो क्लास आपकी मिस हो गई है वो क्लास आप इजीली देख सकते हैं, और साथ में आप क्लासेस को ऑफलाइन भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। जैसे आप यूट्यूब पे डाउनलोड कर लेते हैं ना क्लासेस को, वैसे ही आप ये क्लासेस को डाउनलोड ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सारी काम की बात हम लोगों की हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति। ठीक है, ये तो देख ही लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने न्यूज में कि हाल ही में भाई शक्ति बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम जो है शक्ति, ठीक है, वो अभी डेवलप की गई है। ठीक है, तो किसने की है दुनिया की पहली, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट, विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति का विकास किसने किया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर नन ऑफ द अबव? नन्हे सिंह, योर पेड कोर्स, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं फ्री में पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए, फिर भी नहीं आते। शिवम गुप्ता, आर्मी, सरोज ठाकुर, राकेश कह रहे हैं ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इंडियन आर्मी ने। ठीक है, बेसिकली इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, अनूप मिश्रा, ठीक है, उन्होंने ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो डेवलप की है, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति। ठीक है, जो दोनों मेल और फीमेल कॉम्बैट्स पहन सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पहन सकते हैं और कोई भी पहन सकता है बेसिकली इस बुलेट प्रूफ जैकेट को। किसने, अगर बेसिकली इंडियन आर्मी ने डेवलप करी है, और अगर पूछा जाए कि किसने किया पर्टिकुलर, तो अनूप मिश्रा, ठीक है, इंडियन आर्मी ऑफिसर है, मेजर रैंक इंडियन आर्मी ऑफिसर, उन्होंने डेवलप की है। ठीक है, साथ में दुनिया की पहली फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है ये जैकेट। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि इंडियन आर्मी के लिए हीटिंग डिवाइस जो है वो भी डेवलप किया है DRDO ने, उसके फीचर्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे क्लास में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2021? 2021 में अभी बेसिकली अभी जो थोड़े दिनों में होने वाली है रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट कौन होंगे भाई बताओ? Yes, it's really a great initiative taken by Anoop Mishra, जिसने भी comment किया था, definitely. चलिए भाई, सब लोग share कर देते जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। शिवम गुप्ता कह रहे हैं नन, अंश कह रहे हैं डी, चलिए इसका आंसर विनायक कह रहे हैं, ए सी भी कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, चैन संतोखी, नन ऑफ द अबव, जो बिडेन, बोरिस जॉनसन, कौन चीफ गेस्ट रहेंगे इनमें से रिपब्लिक डे के? देखिए उसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे का। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी नहीं होने वाला है रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट। ठीक है, ऐसा आजादी के बाद ऐसा चौथी बार होने वाला है कि भाई कोई भी रिपब्लिक डे का के लिए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहेगा, मुख्य अतिथि कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पहले यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन जो है पहले वो चीफ गेस्ट होने वाले थे, लेकिन वहां पर नया स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का वो मिला था, और जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आना कैंसिल कर दिया।
ठीक है, पहले कौन आ रहे थे, बोरिस जॉनसन आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो कोई भी नहीं आ रहा है, चीफ गेस्ट कोई भी नहीं होगा इस बार, और ऐसा चौथी बार हो रहा है। उससे पहले कब हो चुका है, 1966, 1952 और 1953, इन तीनों सालों में जो रिपब्लिक डे हुआ है, जो सेलिब्रेट किया गया है, इन तीनों सालों में भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। ठीक है, फ्री क्लास के लिए थैंक्स, यू वेलकम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। रिसेंटली द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL लॉन्च्ड व्हिच ऑफशोर पेट्रोल वेसल नेम्ड ICHS सक्षम। ठीक है, ये भी आपने पढ़ी लिया होगा न्यूज में कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस अपतटीय गश्ती पोत को ICGS सक्षम नाम से लॉन्च किया है। बिल्कुल इस बार नहीं होंगे, चौथी बार होगा, और इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड भी होगी वो भी शॉर्टर होगी, व्यूअर्स भी, स्पेक्टेटर जो हैं वो भी कम होंगे। ठीक है, व्यूअर्स भी कम आएंगे, वैसे हर साल कुछ 1.5 लाख 1.2 लाख के अराउंड जो हैं व्यूअर्स आते हैं, स्पेक्टेटर्स आते हैं देखने के लिए, बट इस बार वो कम करके वो सिर्फ 25,000 के आसपास ही सिर्फ लोग आएंगे परेड देखने के लिए, कोरोना वायरस की वजह से आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कौन सा ऑफशोर OPV जो है लॉन्च किया है, कौन से नंबर का बेसिकली पूछा हुआ है, विकसित त्रिपाठी 2, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 5th। ठीक है, पांचवा और फाइनल, ठीक है, वेसल जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, ICGS सक्षम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, कब किया था, 13th of November 2016, और तब से, ठीक है, पांच वेसल्स जो हैं उसे लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको ध्यान में रखने हैं कि किसने ये लॉन्च किया है, बेसिकली प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किसने किया है। ठीक है, और अभी तक देखो पांच वेसल्स बनने थे, और ये जो अभी जो सक्षम बना है ICGS सक्षम जो बना है वो 5th है और फाइनल है। ठीक है, डेट पूछी जा सकती है 13th November 2016। ठीक है, अगर हम बात करें 5th वेसल की इस पूरे प्रोजेक्ट के, ठीक है, तो वो किसने लॉन्च किया है, जयंती नटराजन ने लॉन्च किया है, जो कि कोस्ट गार्ड वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, और ये 5th वेसल जो है वो किसने लॉन्च किया है, जयंती नटराजन ने किया है। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है कोस्ट गार्ड वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली US हैज इम्पोज्ड न्यू सैंक्शन ऑन विच सिटी ओवर नॉर्थ चाइना सी। हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में किस शहर पर नई मंजूरी दी है। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लल्लन जी, हाँ जी, रिसेंटली US हैज इम्पोज्ड न्यू सैंक्शन ऑन विच सिटी ओवर साउथ चाइना सी, बेजिंग, शंघाई, वुहान या फिर हंगझोउ। शिवम गुप्ता कह रहे हैं हंगझोउ, खराब आवाज आ रही है यहाँ से, तो पूरे नेटवर्क्स ठीक हैं, माइक भी बिल्कुल ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में जो नया सैंक्शन है US ने इम्पोज किया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI हैज स्टार्टेड टैगिंग विच एंडेंजर्ड स्पीशीज टू ट्रैक देयर माइग्रेशन पाथ। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन सी स्पीशीज को टैग करना स्टार्ट किया है, टैगिंग शुरू की है, ताकि उनका जो माइग्रेशन पाथ है, जो उनका प्रवास पथ है, उसे ट्रैक किया जा सके। डी स्नो लेपर्ड्स। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। उमा शंकर ए, और आगे वो चश्मे वाला इमोजी क्यों,
अनीश आशीष शर्मा कह रहे हैं सी वन हॉर्न डायनासोर्स, एक सींग वाला गेंडा देखिए, ऑलिव रिडल्स काला हिरन वन हॉर्न डायनासोर्स या फिर हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। ओके हाँ जी, तो ZSI ने बेसिकली कौन सी स्पीशीज को टैग करना स्टार्ट किया है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑलिव रिडलीज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलिव रिडलीज जो है टर्टल्स हैं आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बेसिकली ओडिशा में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ऑलिव रिडलीज जो है टर्टल्स हैं, बेसिकली इन्हें जो है टैग दिए जा रहे हैं ताकि जो माइग्रेशन पाथ है इनका वो देखा जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके। ठीक है, एंडेंजर्ड ओडिशा देखिए जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो, अभी तक छः जो टैग्स हैं छः टर्टल्स को दिए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से चार फीमेल्स हैं और दो मेल टर्टल्स हैं, उनका जो सब चीज़ें हैं वेट वगैरह वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और अब जो है उनका माइग्रेशन पाथ जो है उसे ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी मानव पोषण योजना इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से किस राज्य की है इंदिरा गांधी मानव पोषण योजना। चलो भाई सीधा सा आंसर है ऑलिव रिडलीज, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है सबका। हां जी सब आंसर बताएंगे। इंदिरा गांधी मानव पोषण योजना कौन से राज्य में जो है, कहां की, कौन से राज्य की योजना है, सिंपल सा सवाल ये है। एनटीपीसी के लिए बिल्कुल शैलेंद्र एब्सोल्युटली हेल्पफुल रहेगा, एनटीपीसी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानते हैं आप लोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इंदिरा गांधी मानव पोषण जो योजना है बेसिकली से राजस्थान में लॉन्च किया गया है ताकि जो प्रेग्नेंट मदर्स और जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, इसलिए ये जो योजना है उसे स्टार्ट किया गया है। किसने किया था, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इसे जो है इनॉग्रेट किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, इजी पीजी क्वेश्चन हैं। आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया गया है, हाल ही में क्लास भी हुई थी उस दिन हमारी, 10th, 12th, 14th या फिर 15th जनवरी। चलिए आवाज ठीक नहीं आ रही, नेशनल आर्मी डे कब मनाया गया है, सवाल ये है, 10th, 12th, 14th या फिर 15th ऑफ जनवरी। अजय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, 15th ऑफ जनवरी को जो है हर साल नेशनल आर्मी डे जो है आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल कोंदन देरा एम करियप्पा। ठीक है, उनका उन्होंने देखिए जो हमारे लास्ट जनरल थे, ठीक है, जनरल फ्रांसिस बुचर जो थे वो लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे। ठीक है, उसके बाद किसने टेक ओवर किया था भाई, कोंदन देरा एम करियप्पा ने किया था। तो उस चीज के रिकॉग्निशन के लिए जो है पूरा आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब हुआ था ये, 15th ऑफ जनवरी 1949। ठीक है, ठीक है, इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, टाइम कम रह गया है हमारे पास। व्हेन हैज द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन वेयर हैज द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, ये तो सबको पता ही है, ये तो आसान क्वेश्चन है। चलिए हाँ जी, इसका आंसर आप बताएंगे कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहां शुरू हुआ है। चलिए
मैम आज के लिए इनफ है, बस थोड़े से क्वेश्चंस और, बस फिर छुट्टी। हाँ जी, इंडिया कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सबको ही पता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो इंडिया में आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, कितना न्यूज में आप लोग को पता ही है, ठीक है। लॉन्च किसने किया है? प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। देखो बेसिकली दो तरह की वैक्सीनेशन जो है ड्राइव स्टार्ट की गई है, ठीक है, इंडिया में। पहली है कोविड शील्ड वैक्सीन और दूसरी है कोवैक्सीन, ठीक है। कोविड शील्ड वैक्सीन जो है वो किसने तैयार की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो किसने तैयार की है? भारत बायोटेक ने, ठीक है। कोवैक्सीन को 12 स्टेट्स में सप्लाई किया जाएगा और जो कोविड शील्ड वैक्सीन है उसे सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी कि पूरे भारत में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट्स आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, टाइम कम रह गया है। पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स टू विच स्टेट। देखो 8 ट्रेनें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक साथ रवाना की है, कौन से राज्य में? सवाल ये है, ठीक है, ठीक है। तो सवाल सीधा सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य को 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, रवाना किए हैं बेसिकली एक स्टेट में। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से राज्य में बेसिकली भेजी गई हैं। शिवम गुप्ता फिर से, आदि अमन कह रहे हैं सी, आशीष शर्मा, दीपक कुमार, सोनू, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो गुजरात में जो है ये 8 ट्रेन जो है इन्हें रवाना किया गया है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू जो है गुजरात में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनें जो है वो ये रवाना की है जो कि केवाड़िया से कनेक्ट करती है। केवाड़िया वही जगह है जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो वही बात आ गई कि अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है तो टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, है ना, टूरिस्ट आएंगे। तो जब ट्रेन वहां पर चलने लग जाएंगी, जब ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो है वो आसान हो जाएगा लोगों के लिए, तो क्या होगा, और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और ज्यादा इकोनॉमी आएगी, ठीक है। गुज्जू फिर से किसी ने लिखा है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आसान आसान से पॉइंट्स हैं, टफ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में बर्ड फेस्टिवल कलरफ कहां पर मनाया गया है, ठीक है। इस स्टेट में पहला ऐसा बर्ड फेस्टिवल हुआ है, ये हिंट दे दी मैंने, आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन से राज्य में जो है ये बर्ड फेस्टिवल हुआ है। नेहा सैनी, गुज्जू जी, नीति कुमारी, गुजरात, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिहार, ठीक है। बिहार में जो है पहला बिहार का बर्ड फेस्टिवल था ये कलरव, जिसका नाम है, ठीक है, बिहार में मनाया गया है, ठीक है, नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी में ये मनाया गया है, जामुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि बिहार की जामुई डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फेस्टिवल पक्षियों के लिए जो स्टेट लेवल फेस्टिवल था ये इसे किया गया है। 3 दिन का फेस्टिवल था, यह 3 दिन का इवेंट था, ठीक है। और पूरे जो कंट्री से जो भी बर्ड लवर्स वगैरह हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इसे बेसिकली मोटिव यही था कि जो बर्ड लवर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए पहुंचे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, स्टेट पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है बिहार का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैम पीडीएफ भी दे दिया करो, आकाश पीडीएफ आपके लिए ही बनाती हूँ, आपको क्यों नहीं दूंगी पीडीएफ, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी, केडी लाइफ पर जाओ, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलो भैया आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। पीडीएफ मैं फिर से लिख देती हूँ, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लो भाई केडी लाइव आपको अपने फोन्स में। बहुत बार ट्यूटोरियल्स दे चुकी हूँ कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। कल मिलेंगे 4 बजे, सब लोग 4 बजे आ जाएंगे।
ठीक है। कल 4 बजे आप सब लोगों से फिर से मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे यहीं पर ही केडी लाइव पर, ठीक है, कल के करंट अफेयर्स के साथ। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, ठीक है।